जौनपुर के सराफा स्थित साठिया कुआ इलाके में कई दिनों से चोरी की वारदात हो रही है, जिन्हें देखते हुए यहां के लोगों ने चोर को पकड़ने का निर्णय लिया। चोर को पकड़ने के लिए इलाके के लोगों ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखे। सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग में चोर की शिनाख्त हो गई। स्थानीय लोगों ने उस चोर को दबोच लिया। चोरी करने वाला युवक नशे का आदी है। अपने नशे की तलब पूरी करने के लिए वह चोरी की वारदातें कर रहा था। स्थानीय लोगों का कहना है नशेड़ी जोर से पूछताछ की गई, लोगों के नामों का खुलासा हुआ, जिनके इशारे पर वह नशेड़ी युवक साठिया कुआ क्षेत्र में और शहर के इलाकों में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा है। स्थानीय लोगों ने नशेड़ी चोर को पुलिस के हवाले कर दिया है। यहाँ पर क्या है, तीन चार दिन से जो ये साठिया कुआ क्षेत्र है, सराफा बाजार विवेक कला मंदिर क्षेत्र है ये। यहाँ पर क्या है, अभी कुछ समय पहले से जो है यहाँ चोरी और यहाँ पर आपराधिक तत्व मतलब जो है यहाँ पर ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। आए दिन कहीं डिब्बे चोरी जा रहे हैं, मंदिर के घंटा घंटी चोरी जा रही हैंगी। यहाँ पर जो है यहाँ किसी को कुछ पता नहीं लग रहा, गाड़ी खड़ी रहती तो गाड़ी की बैटरी चोरी चली जा रही है, स्टेपनी चोरी जा रही हैंगी यहाँ पर। अब यहाँ पर रात दिन क्या है कि आदमी मतलब जो इंसान अपने काम धंधे पर निकल जाता है, उसके बाद शाम को पता नहीं कौन कौन यहाँ पर आकर के सब चीज़ें खड़े होते हैं और यहाँ पर नशेड़ी सब चीज़ें नशा पत्ती पानी सब चीज़ होता है। यहाँ पर पुलिस की गश्त करती है रात में, एक कार्रवाई उचित कार्रवाई करने से वो टकरा रही है, ऐसा मतलब ये सब चीज़ चल रहा है। तो सब सरकार से निवेदन है कि उस चीज़ को जो थोड़ा सा फॉलो करते हुए यहाँ की सुरक्षा देखी जाए, बढ़ाई जाए। यहाँ पर हमारा नाम अभिषेक सोनी। भैया ये कल रात में हम लोग सीटीवी कैमरे से उसको कैद किया पहले, फिर उसके बाद उसको हम लोग ने देखा तो उसको शनाख्ती की और पकड़ लिया। उसको पकड़ने के बाद जब उसको लेके आया मैं, तो मैंने उससे पूछा तो उसने मेरे को बताया कि मैंने आपके घर से दो कैन चोरी किए थे और मेरे द्वारा करवाए जा रहे हैं किसी से। वो तो नशेड़ी है, वो तो उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं, वो किसी के माध्यम से काम करवा रहा। उसने नाम भी लिया है दो से तीन चार लोगों का और थाने में ले जाके मैंने उनको दिया। तो अब पुलिस कार्रवाई कर रही है, बाकी उचित कार्रवाई करने का अपन निवेदन कर रहे हैं सरकार। ये आपका अतुल यादव, मशीन चली गई साठिया कुआं सब हमारे क्षेत्र में कम से कम ये 8वीं 9वीं वारदात है। एक बार मशीन गई है, एक बार साइकिल चोरी चली गई, दो बार स्टपनी खुल गई गाड़ियों की, और ये 15 दिन के अंतर पर हुआ है। 15 से 20 दिन हुए हैं ये, मतलब 8 से 9 घटनाएँ हो चुकी हैं। लगातार चोरियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। जौनपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।